हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी चैनल में। फ्रेंड्स, अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएड, बीपीएड, बीपीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड की एमपी में, मध्य प्रदेश में जो काउंसलिंग स्टार्ट की गई थी, उसमें जो सेकंड राउंड हुआ था फ्रेंड्स, सेकंड राउंड उसमें किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, किसको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, मेरिट लिस्ट इसकी है जो सेकेंड राउंड की आ चुकी है दोस्तों। अब अपन को मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, कैसे अपन को नाम देखना है, अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 25 मई, यानी 25 मई तक आप इसको अपन चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना होगा, और जो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वापस जाकर इसे डायरेक्ट आ सकते हो। अब आप पर यहाँ पर आपको क्या करना है, एनसीटीई कोर्स काउंसलिंग वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कैसा नया विंडो ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया दोस्तों, तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहने वाली है वो लास्ट डेट तो इसकी जो थर्ड राउंड की स्टार्ट होने वाली है 28 मई, यानी 28 मई से अभी स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड थर्ड राउंड का। सेकंड राउंड का तो खत्म हो चुका है। अब कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है, इसका पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो को जरूर देखा, और जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। अब अपन को चेक करना है कि अपन को कौन सा कॉलेज मिला है। तो अपन को कौन सा कॉलेज मिला ये देखना है। मान के चलिए आपने बीएड किया है, या बीएलएड या बीएड कोई भी कोर्स किया है, आपने किसी में भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है। मान के चलिए अपन ने बीएड में रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपने यहाँ पर बीएड में किया तो क्लिक एयर पर आपको ओके करना है। यहाँ पर तो क्लिक एयर पर यहाँ से ओके कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक एयर पर ओके करोगे, यहाँ पर इस जगह पर आपको मिलेगा प्रवेश प्रक्रिया। तो प्रवेश प्रक्रिया पर आपको ओके करना है। अब आता है यहाँ पर एक ऑप्शन मेरिट लिस्ट बीएड सेकंड राउंड। अब मेरिट लिस्ट जो अपनी मेरिट लिस्ट आई है उसको अपन को कैसे चेक करना है, और जो इसकी लास्ट डेट है 25 मई, तो और यहाँ से चेक करने के लिए आपको क्लिक एयर पर ओके कर देना होगा। तो यहाँ से अपन क्लिक एयर पर ओके करते हैं और जो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से, और डाउनलोड होने के बाद में पीडीएफ के फॉर्मेट में आएगा, और वहाँ से अपनी जो भी मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। मतलब मेरिट लिस्ट में क्या आएगा, जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उस कैंडिडेट के ओनली नाम आ जाएंगे। अब बात आती है कि अपन को उसका प्रिंटआउट कैसे लेना है। तो प्रिंटआउट लेने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीट अलॉटमेंट लेटर सेकेंड राउंड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके लिए आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड पूछा जाएगा, वो यहाँ पर डाल देना होगा, और यहाँ से अपना डाउनलोड कर लेना होगा सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर जो फर्स्ट राउंड वाले उन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाया है, फर्स्ट राउंड वालों ने अगर अभी तक अपना जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाया है, तो उनके लिए भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट और सेकेंड राउंड वालों का यहाँ से। अब बात आती है कि चॉइस फिलिंग, अपन ने चॉइस फिलिंग किया था उसका किसी ने जो प्रिंट है वो नहीं निकाल पाया है, तो उसकी जो प्रिंट की भी एक लिंक है जो कि एक्टिवेट कर दी गई है, उस प्रिंट को भी आप यहां से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरिट लिस्ट है वो देखना है सेकंड राउंड का, तो वो यहां से है। और जो एक बात, और जो सेकंड राउंड में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, तो उनके लिए थर्ड राउंड को ओपन किया जा रहा है 28 मई से। 28 मई से थर्ड राउंड को ओपन किया जा रहा है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो उसका जो पूरा एक वीडियो है मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, और उस वीडियो के में जैसे बताया गया उसके हिसाब से पूरा रजिस्ट्रेशन करना। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर ही रजिस्ट्रेशन करना, तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।